सबसे पहले हम यहाँ पे जाके कंट्रोल एन करके न्यू फाइल लेंगे और यहाँ पे इसकी विड्थ को डिसाइड करेंगे 3.6 2.2 के ऊपर और 100 की रेजोल्यूशन पे ये ले लेंगे। यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके ओके करेंगे, ओके कर देंगे, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले जो इसका डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। दोनों साइड पे ग्रे कलर का पहले डार्क ग्रे कलर का जो है एक कलर देंगे, इस पर क्लिक करके एक शेप बना देंगे इसके ऊपर यहाँ से, और उस शेप को ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर इसके ऊपर कलर जो है हमें कुछ लाइट ग्रे टाइप का रखना है, तो यहाँ पे कलर ले लेते हैं ये वाला और क्लिक कर देते हैं इसको। क्लिक करके इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, कंट्रोल टी दबाते हैं और इसको इस तरीके से पूरा फिल करके और इसको यहाँ पे ऊपर यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, क्लिक करके इसको अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद इसका कंट्रोल जे करेंगे, एक डुप्लीकेट लेंगे इसी शेप का और उसके अंदर क्लिक करेंगे कलर, और यहाँ से कलर ले लेते हैं ये रेड मैरून कलर, और उस पर क्लिक करके कंट्रोल टी नहीं करेंगे बल्कि हाँ पहले कंट्रोल टी कर लें, कंट्रोल टी करेंगे इसको, पहले इसको यहाँ से क्लिक करके इस तरह से थोड़ा कम कर लेते हैं, इस तरह इसका रख लेते हैं 50% कर लेते हैं इसका। ठीक है, फिर उसके बाद क्लिक करके या थोड़ा सा आगे रख लें ताकि वो थोड़ा आगे निकलता हुआ आ रहा है इसके अंदर, क्लिक करके फिर इसको यहाँ से क्लिक करके हम क्या करेंगे, डिस्टॉर्ट कर देंगे और क्लिक करके हम इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको इतना इसके यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं फाइल को, यहाँ से क्लिक करते हैं और हॉरिजॉन के ग्रुप में जाके इसको सेव कर देते हैं। यहाँ हॉरिजॉन में आ गए इस फाइल्स में और हॉरिजॉन में जाके हमने इसको सेव कर दिया, क्लास 12 और क्लास 13 के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। क्लास 13 रेड विजिटिंग कार्ड। ठीक है, अब ओके कर देते हैं। अब देखना इसमें ये है कि ये समझने की ज़रूरत है इसके अंदर कि भाई ये कैसे बना हुआ है, तो ये थोड़ा ऊपर है या नीचे है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये एक इस तरह का डिवाइडर हमें लगाना है और एक डिवाइडर इस तरह का लगाना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके एक शेप लेंगे इस तरह का और इस तरह का एक शेप क्रिएट करेंगे, क्योंकि वाइट कलर का क्रिएट करना है हमें, क्लिक करना है यहाँ से वाइट कलर ले लेना है और इसको 45 डिग्री पे कंट्रोल टी दबा के शिफ्ट के साथ इसको जैसे एंगल देंगे तो ये एक एंगल पूरा निकाल के देगा हमें किस तरह का एंगल दे रहा है, ये परफेक्ट एंगल आई थिंक समझता हूँ इसके ऊपर, और अगर शिफ्ट के साथ और घुमाएंगे तो फिर एक ये एंगल निकल आएगा, ये उससे बेहतर है। ठीक है, क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से एक एंगल निकल के आ जाएगा। अब इस एंगल को कहाँ पे इसको डिवाइड करना है ये थोड़ा डिसाइड करना है। अब इसने जो डिसाइड किया हुआ है ये सेंटर में किया हुआ है, अगर मैं इसका सेंटर निकालता हूँ तो ये सेंटर पॉइंट आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे करना है हमें इसको डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे बल्कि इस जगह पे डिवाइड करना है, तो फिर हमें ये रेड वाले पे क्लिक करके इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको बाहर निकालना होगा ताकि ये थोड़ा सा फिर बाहर निकले, ज़्यादा आगे निकला है क्योंकि ये इससे काफ़ी आगे है, तो इसको थोड़ा सा और आगे कर लें यहाँ से इस तरीके से, तो ये इस तरह से ये इसका शेप निकल आएगा। ठीक है, अब ये व्हाइट वाला हमने यहाँ पे लगा दिया, इसके ऊपर क्लिक करके ऐसे डिवाइडर, अभी इसी को कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल टी के साथ और घुमाएंगे इसको, इस तरह से सीधा कर देंगे इसको, बिल्कुल सीधा करके इसको ले जाके हम इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लगा देंगे, तो ये देखें इसके साथ इसी के व्हाइट के साथ यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हिस्सा तो आपका कम्प्लीट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये वाला काम देखें आपका ईजी हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे ताकि इसके साथ एज टू एज मिल जाए, ये वाला डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए ये वाला डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब उसके साथ क्या करना है कि यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि अब क्या करना है, इसी को लेना है एक और कंट्रोल जे करना है, डुप्लीकेट लेना है इसको, यहाँ से लेके इसका बनाना है फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके, वर्टिकल नहीं करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, और इसको इसके हिसाब से मुताबिक रखना है हमें। तो ये कैसे रखा जाएगा ये देखें मैं भी बता रहा हूँ इसको, पहले हम इसका जो ये वाला मामला है इसके इस कॉर्नर पर ले आते हैं, ये आ गया इस कॉर्नर पर। अब देखिए मैं इसको यहाँ से पकड़ के घुमाना चाह रहा हूँ, यहाँ से इसकी या इस पॉइंट से घुमाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल टी करूँगा, कंट्रोल टी करके ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पे रखूँगा इसके इस कॉर्नर पे, ये ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पर सेट हो जाएगा इस कॉर्नर पे, तो ये इसके इस कॉर्नर पे सेट हो गया। अब जब रोटेट करूँगा तो उसी एंगल से ये रोटेट होगा, तो ये यहाँ पे इस तरह से रोटेट करके ऐसा हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और थोड़ा सा इसको इनसाइड करूँगा, ये कहाँ ऐसे हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसको पीछे वाले से वो करना है, तो अब ये आगे वाले पे कॉर्नर पे रखूंगा मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पर, और इसको रख के यहाँ से और इसको इस तरीके से यहाँ पे घुमा दूंगा। ठीक है, क्लिक करके इसको जैसे करेंगे अप्लाई, तो ये देखें यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, तो ये इसके सेंटर का पॉइंट भी निकल आया इसके बीच का। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रहने देंगे, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे अपनी फाइल को। तो अब यहाँ पर तो ये आगे ये सीन है ही नहीं, ये सीन यहाँ पे नहीं है, तो इसको कैसे काटेंगे, इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके राइट बटन दबा के इसको करेंगे रेस्टराइज। रेस्टराइज करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लेंगे हम यहाँ से पॉलीगोनल प्लस टूल, और क्लिक करके यहाँ से हम इसको यहाँ पे रख के और यहाँ पे से रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से काट लेते हैं बल्कि इसको,
ठीक है, तो यहाँ से हम करके और फिर इसको ले जाएंगे ऊपर, और यहाँ पे रख के हम आगे लेकर आएंगे, और उसके बाद ले जाके इसको यहाँ पे मिला देंगे सिलेक्शन को, और इसको कर देंगे डिलीट। जैसे ही डिलीट करेंगे देखेंगे ये यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, तो ये इसका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब करना ये है हमें नेक्स्ट में कि ऊपर हमें कुछ स्ट्रिप्स बनानी है, एक इसके साइड पे बनानी है, एक इसके साइड पे बनानी है, मतलब एक तो इसके साथ स्ट्रिप बनानी है, ठीक है, और उसके ऊपर भी एक रेड कलर का ये मामला आएगा। थोड़ी सी गड़बड़ेशन हो गई है लेकिन चल जाएगा काम, इस गड़बड़ को हम यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल यहाँ पर देखिए करना ये है कि यहाँ पर एक वाइट स्ट्रिप लगानी है, इसके ऊपर एक वाइट स्ट्रिप लगेगी और वाइट स्ट्रिप के ऊपर फिर एक रेड स्ट्रिप लगेगी। थोड़ा सा इसको ऊपर करना था लेकिन चलो ऊपर होने से तो वो बच गया, ऊपर तो हम नहीं कर पाए हम इसको, लेकिन क्या हुआ हम इसके ऊपर एक शेप बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसके ऊपर शेप, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्लिक करके एक और शेप डिजाइन करेंगे जो कि शेप होगा इसके साइज के मुताबिक। तो हम शेप को ऐसे बना लेते हैं क्योंकि उसको व्हाइट में भी डिवाइड करना है, तो ये एक शेप हम बनाएंगे इस तरह का। ठीक है, इसको बना के हमने यहाँ पे रखा, क्लिक किया, इस पर क्लिक भरा, उस पर क्लिक भर के ये वाला कलर डाल दिया, और यहाँ से क्लिक करके ये कलर हमने इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें कलर भर दिया, यहाँ पे क्लिक करके इसको नो फिल करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे रखेंगे इसको। ठीक है, और बल्कि हो सकता है हम इसको यहाँ पे इस तरह से थोड़ा बाहर निकलता हुआ रख दें, कंट्रोल टी करेंगे इसको ले जाके इसको थोड़ा सा आगे रख देंगे, ये इसके अंदर इस तरह से आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो व्हाइट वाला स्ट्रिप है इसके ऊपर ले आएंगे, व्हाइट वाला ये वाला स्ट्रिप इस पर डालेंगे, तो ये देखें इसको इस तरह से क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा तो कंट्रोल टी दबाएंगे, रेड वाले स्ट्रिप पे क्लिक करेंगे, रेड वाला कहाँ है, वो नीचे वाला है, ये रहा, रेड वाले पे क्लिक करके कंट्रोल टी दबाएंगे और उसको इस तरीके से इस पर से थोड़ा सा कम कर लेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर हो जाएगा, तो ये इसका इस तरह से साइड हो जाएगा। ठीक, अब इस पे एक व्हाइट वाला स्ट्रिप लगाना है, तो व्हाइट वाला स्ट्रिप हमारे पास सीधा जो बना हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ था, कहाँ है ये वाला, इसी का कंट्रोल जे लेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल जे लिया, इसका डुप्लीकेट किया, इसको उठा के हमने इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से सेट करेंगे ताकि ये ऐसे नजर आए। ठीक है, सही है, व्हाइट वाला आ गया इसके ऊपर। अब ये जो ग्रे वाला है उस पर भी इसी तरह से बनाना है हमें, तो एक ग्रे वाला जो शेप है वो ये हमने जो रेड वाला निकाला है ना शेप, रेड वाला कौन सा था, ये वाला रेड वाला है, नहीं ये भी नहीं है, ये है रेड वाला, इसी का हम यहाँ से लेंगे कंट्रोल जे और इसको पकड़ेंगे यहाँ से ले जाके इसके सामने शिफ्ट के साथ ऐसे करके रख देंगे। ठीक है, उसमें क्या करना है, उसमें व्हाइट वाला शेप रखना है, लेकिन व्हाइट वाला जो है ग्रे के ऊपर आएगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल टी करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, ये देखें इसके पीछे छुप जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे और इसको कंट्रोल टी करके इसको ग्रे वाले को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे इस वाइट वाले से। ठीक है, यहाँ क्लिक करके इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ये वाला कलर यहाँ पे पिक कर लेंगे, ओके करेंगे, तो पिक तो हो गया लेकिन भरा क्यों नहीं, भर गया इसके अंदर कलर। ठीक है, तो ये इस तरह से नजर आएगा। अब ये इस तरह से नजर आ रहा है, ये इसको क्रॉस करता हुआ निकलेगा आगे, तो कंट्रोल टी दबाएंगे इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, तो ये इसको क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्रॉस कर रहा है लेकिन थोड़ा सा हम इसके इसके जो क्रॉसिंग्स के अंदर ले आएंगे, तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और ये वाला सेक्शन जो है ना इसका एडिट पॉइंट्स में जाके और इसको यहाँ से इसको कर देते हैं डिस्टॉर्ट और इसको इसके पीछे इस तरह से छुपा देते हैं। ठीक है, तो ये देखें वाइट वाला इसके साथ ये ऐसे करके खेल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो व्हाइट नजर आ रहा है ये हिस्सा रह गया मेरे किसी के अंदर, किस में रह गया, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, कौन से वाले पॉइंट का रह गया इसको देख लेते हैं जरा, ये इस वाले का है, हाँ ये इस वाले का रह गया था थोड़ा सा हिस्सा, इसको यहाँ से अभी हम सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं, ये किया ये सॉरी डिलीट, यहाँ क्लिक किया, यहाँ 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 और यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो व्हाइट वाली स्ट्रिप है वो इसके इस तक ही आनी चाहिए, ये इसके आगे नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आगे आ रही है, तो ये वाली स्ट्रिप को देखते हैं कौन सी स्ट्रिप है, व्हाइट वाली, ये वाली स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप है, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी दबाने से पहले थोड़ा देख लें इसके अंदर कि इसके आगे तो व्हाइट टी है ना, नहीं इसके आगे, कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे इसके व्हाइट के साथ लाके, ताकि ये इसी में यहाँ पे थम जाए, आगे दिखाई ना दे, तो ये देखें इस तरह से ये मिक्सअप हो गया। सही है, अब इसके बाद यही वाली जो व्हाइट स्ट्रिप है जो हमने यहाँ से अभी हटाई थी, इसी का कंट्रोल जे लेंगे डुप्लीकेट करके
और इसको उठा के इसके वाले पे लाके यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इस तरीके से कम कर लिया हमने इसको, और क्लिक करके अप्लाई कर दिया, और कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा खींच के आगे लेकर आएंगे। तो यहाँ थोड़ा जूम करते हैं इसको, और यहाँ से इसको ऐसे खींच के आगे लिया है, और ये इसमें लाके गुम हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब ये वाली थोड़ी स्ट्रिप हमारी चौड़ी रह गई है, तो इस पर क्लिक करते हैं, इसको भी थोड़ा पतला कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा पतला कर दें, उसके साइज की बना दें इसको, क्लिक कर दें, तो ये देखें इसका डिजाइन निकल आया, कंप्लीट हो गया डिजाइन, ओके हो गया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डिजाइन जो है आपका बेहतरीन नमूने से इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ चीजों को आपने इसी तरह से जोड़ तोड़ करके लगा देना है। फिर आपने इसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक करना है, एक फोल्डर बनाना है, इस पर क्लिक कर देना है, उसको रख देते हैं हम फ्रंट डिजाइन, और उस पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और क्लिक करके यहाँ से इसको ले जाके यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये कंप्लीट डिजाइन हमने इसके अंदर किया, सही है ना। बाकी तो टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो खुद लिख लेना, अपने नाम वगैरह जो भी है, नंबर्स वगैरह डाल देना, इसके ऊपर कर देना, सही है। और तो कोई सवाल नहीं इससे रिलेटेड? हाँ, पहले बनाओ फिर वो बताएंगे कैसे करेंगे इसको।